कंजूस ननद की काली और गोरी भाभी। आज मेरे भाई की शादी है। लावण्या नाचते गाते हुए बैंक्वेट हॉल के अंदर आती है। ओ तेरी मम्मी डैडी ने क्या महंगा बैंक्वेट हॉल बुक किया है, क्या सेटअप है। पहले मैं डांस फ्लोर पर डांस करूंगी, फिर खाने की सारी वैरायटी टेस्ट करूंगी। मम्मी डैडी ने इतना पैसा लगाया तो पैसा वसूल करना तो बनता है। लेट्स गो लावण्या। लावण्या कुछ देर डांस करने के बाद प्लेट में बहुत सारी मिठाइयां भरकर सोफे पर पसर कर जल्दी जल्दी मिठाइयां खाने लगती है। तभी दुल्हन बनी हुई काजल मंडप में आकर बैठ जाती है। ओ गॉड, ये है मेरी होने वाली भाभी। फोटो में तो ये गोरी और सुंदर लग रही थी, मगर ये तो कोयले से भी काली है। इसके पीछे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। गॉड, मम्मी डैडी के पैसे तो पानी में चले गए। ऐसा कहकर लावण्या अपनी माँ के पास आती है। मम्मी, आप अभिषेक भैया की शादी इतनी काली लड़की से कैसे कर सकती हैं? लावण्या, काजल बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरे लिए अच्छी भाभी बनेगी। आपको डैडी का ना दिमाग खराब हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। लावण्या गाड़ी में बैठकर पूरे रास्ते फुसफुसाती हुई घर चली आती है। जब मम्मी डैडी को इस फ्यूज बल्ब को ही बहू बनाकर लाना था तो इतने लाखों रुपए लगाकर महंगा बैंक्वेट बुक करने की क्या जरूरत थी। फिर ममता खुशी खुशी अपनी काली बहू का गृह प्रवेश कराती है। वहीं काजल भी अच्छी बहू बनकर सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता बीत जाता है और श्याम सुंदर का छोटा बेटा कबीर काव्या से लव मैरिज करके उसे घर ले आता है। कबीर, तू कहाँ गया था और ये कौन है? पिताजी, ये काव्या है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये मेरी बहू नहीं, क्योंकि ये शादी तूने अपनी मन मर्जी से की है। चला जा यहाँ से। रुकिए कबीर भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। डैडी, अब तो भैया ने शादी कर ली है। बाबूजी, देवर जी को माफ कर दीजिए, क्योंकि जब छोटे से गलती हो जाती है तो बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दें। काली बहू की बात मानकर श्याम सुंदर कबीर को माफ कर देता है और लावण्या खुशी के साथ अपनी गोरी भाभी का गृह प्रवेश कराती है। आइए भाभी, हमारे इस घर में आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ये रहा आपका कमरा काव्या भाभी। पता है आप डिट्टो वैसी हो जैसी भाभी मुझे चाहिए थी। काव्या के आ जाने के बाद लावण्या का बर्ताव काजल के लिए और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों काली गोरी बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। क्या सच में काव्या भाभी मैं बुआ बनने वाली हूँ? हाँ नंद जी, मैं और जेठानी जी दोनों प्रेग्नेंट हैं। मुझे मेरी काली भाभी और उसके होने वाले बच्चे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं इन्हें अपनी भाभी नहीं मानती। लावण्या, भले तुम मुझे अपनी भाभी मत मानो, मगर मैं तुम्हें दिल से अपनी ननद मानती हूँ। व्हाटएवर। गर्भावस्था के दौरान काजल को बहुत ज्यादा उल्टियां होती हैं, जिसे देखकर ममता कहती है, काजल बहू, तू ठीक तो है? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे सुबह से 7-8 बार उल्टियां हो चुकी हैं, चक्कर भी आ रहा है। बड़ी बहू, तुझे मुझे बताना तो चाहिए था। तू ठहर। लावण्या, ओ लावण्या बेटी, यहाँ आ। हाँ मम्मी, कहो। लावण्या, तेरी भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे लेकर हमारी गायनोकोलॉजिस्ट के पास चली जाओ और आज से मेरा ये एटीएम तू रख। तेरी दोनों भाभियों को दिन चढ़े हुए हैं, ऐसे में प्रेग्नेंट औरतों को बहुत कुछ खाने पीने का मन करता है, तो तू ला दिया करना। ठीक है मम्मी, मैं ला दूंगी। चलो काजल भाभी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। लावण्या कंजूसी करते हुए अपनी भाभी को लेकर एक खैराती डिस्पेंसरी में लेकर आती है, जहाँ कई सारी गरीब गर्भवती औरतें खड़ी होती हैं। अरे ओ मेरी काली भाभी, अब क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? जाओ जाकर लाइन में लग जाओ। नंद जी, ये लाइन तो बहुत लंबी है, पक्का माँ जी ने यहीं आने को बोला था? ज्यादा इंक्वायरी मत कर, समझी ना। ये पकड़ 10 रुपए, चेकअप करके घर चली आना, समझी। मैं और काव्या भाभी बाद में आएंगे, हमें कुछ काम है। पैसे बचाने के लिए कंजूस लावण्या अपनी काली भाभी को गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की बजाय सरकारी डिस्पेंसरी में धक्के खाने को छोड़कर अपनी गोरी भाभी के लिए शॉपिंग करने निकल जाती है। बेचारी काजल कई घंटों तक कड़ी धूप में खड़ी रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करती है। वैसे मानना पड़ेगा लावण्या, क्या बुद्धू बनाया तुमने जेठानी जी को। काव्या भाभी, मेरा बस चले ना, तो मैं उस काली भाभी पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च ना करूं। और वो 10 रुपए मैंने इसलिए दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थी, बीच से फटा हुआ था। चलिए मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ। मगर ननद जी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से? इस पर लावण्या अपने बैग से 2 ATM निकालकर टशन में कहती है, टन-टन-टन, भाभी ये रहा ATM। मुझे तो लगता था कि लावण्या बस कंजूस है, मगर ये तो कंजूस मक्खी चूस होने के साथ साथ झूठी और मक्खार भी है। खैर मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो इससे फायदा ही है।
काव्या अपनी ननद के पैसे से बहुत सारी शॉपिंग करती है, जिसके साथ साथ लावण्या अपनी गोरी भाभी काव्या को एक महंगे से कैफे में कॉफी पिलाती है। वहीं फटे नोट के कारण कोई भी रिक्शा वाला काजल को अपने रिक्शा में नहीं बैठने देता, जिसकी वजह से काजल पैदल चलकर घर आती है, मगर काजल किसी से कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। लावण्या, मुझे ना आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज ले आओगी? हाँ क्यों नहीं काव्या भाभी, मैं आप भी लाती हूँ। ननद जी, तुम आइसक्रीम लेने बाजार जा रही हो ना, मेरे लिए नारियल पानी और एक ग्लास जूस लेते आना। मेरे पास के पैसे का पेड़ लगा है जो ऑर्डर दे रही हो? रसोई में चावल रोटी रखी है ना, वही खाकर पेट भर लो। कंजूस लावण्या आइसक्रीम लाकर काव्या को खाने को दे देती है, मगर बेचारी काजल मन मार कर रह जाती है। अब काली गोरी भाभियों के प्रेगनेंसी के 5 से 6 महीने हो जाते हैं। लावण्या की इतनी कंजूसी के कारण काजल बहुत ही कमजोर हो जाती है। अरे भगवान, ये काजल बहू इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? अजी लगता है घर के काम के बीच बहू अपना ख्याल नहीं रख रही है, अब मुझे ही बहू का ख्याल रखना होगा। शाम को ममता बाजार जाकर बहुत सारा फल फ्रूट लेकर आती है। काजल बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी, बुलाया? इसमें तेरे लिए फल और घी, इसे सुबह शाम खाना, इससे तुझे ताकत मिलेगी और बच्चा तंदुरुस्त होगा। और हाँ ये ले, ये मैं तेरे लिए केसर भी लाई हूँ, इसे रोज रात को दूध में डालकर पीना। जी माँ जी। ममता को काजल के लिए इतना सब कुछ लाता देखकर लावण्या चिढ़ जाती है। रात में काजल जब दूध उबाल रही होती है, तभी ममता उसे अपने पास बुलाती है और इस मौके का फायदा उठाकर लावण्या सारा दूध निकालकर बर्तन में थोड़े से दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर देती है, साथ ही केसर भी चुरा कर ले जाती है। बढ़िया आई थी केसर का दूध पीने वाली, इससे पहले कि मेरी काली भाभी किचन में वापस आए मैं ये केसर वाला दूध काव्या भाभी को दे दूंगी, इससे उनका बच्चा और भी ज्यादा गोरा पैदा होगा। ये कहकर लावण्या दूध लेकर बाहर जाने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और दूध फर्श पर गिर जाता है। तभी ममता और काजल किचन में आ जाते हैं। लावण्या, तू यहाँ क्या कर रही थी? मम्मी वो मैं तो, अरे ये केसर का डिब्बा एक दिन में खाली कैसे हो गया, और ये दूध एकदम पतले पानी के जैसे कैसा हो गया? लावण्या, ये सब तूने किया है ना, बोलती क्यों नहीं? हाँ मम्मी, ये मैंने किया, क्योंकि इस काली भाभी के कुछ भी खाने पीने का कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे आप इसे केसर वाला दूध पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, या बच्चा तो इसका काला ही होगा। फिर इस पर बेफिजूल के पैसे फूकने का क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ इसका बच्चा और ये मर जाए तो हमारे घर से बला टले। अपनी काली भाभी के लिए लावण्या के मन में भरी कंजूसी और नफरत देखकर ममता उसे थप्पड़ मारकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के मन में अपनी भाभी के लिए इतना जहर भरा है। देख इसकी शक्ल, तेरी कंजूसियों के कारण काजल बहू कितनी कमजोर हो गई है। कल को अगर इसे कुछ हो जाएगा तो क्या जवाब देंगे हम इसके पिताजी को? जानती भी है कि इसके पिताजी के कितने एहसान है हम पर। हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारी मदद की थी, तब जाकर तेरे पिताजी का डूबा हुआ बिजनेस संभल पाया। गलती मेरी है जो मैंने तुझे काजल बहू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी। माँ मुझे माफ कर दो, और काजल भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। जिस समय में मुझे आपका ख्याल रखना था, खुश रखना था, मैंने आपको हर खाने पीने की चीज के लिए तरसाया। मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसा मत कहो ननद जी, हम सभी इंसान हैं, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। मगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया वो बड़ी बात है। ऐसा कहते हुए काजल अपनी ननद लावण्या को माफ कर देती है, जिसके बाद लावण्या कंजूसी करना छोड़कर दिल से काजल और उसके आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है और उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। शालू अपनी दोनों बहुओं कोयल और माया के साथ रहती थी। दो दो बहुओं के होने के बावजूद भी शालू की जिंदगी में आराम नहीं था, क्योंकि उसकी दोनों बहुएं कोयल और माला 24 घंटे लड़ाई किया करती थी, जिसकी वजह से शालू अपनी दोनों बहुओं से हमेशा परेशान रहा करती थी। आज तो मोहित जी को मेरे हाथ का बनाया हुआ ये केक बहुत पसंद आएगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे फ्रिज में रख देती हूँ, वरना ये मेल्ट हो जाएगा। अरे फ्रिज में तो जगह ही नहीं है, अगर ये केक मैंने बाहर रखा तो गर्मी की वजह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फ्रिज में ये फेस पैक किसका रखा हुआ है? इस कोयल का ही होगा, 24 घंटे तो लिपाई पुताई करती रहती है अपने चेहरे की, और बाहर कहती फिरेगी कि नहीं मैं तो नेचुरली सुंदर हूँ, मैं कभी मेकअप नहीं करती हूँ, झूठी कहेंगी। माया कोमल का फेस पैक निकाल कर बाहर रख देती है और अपना केक फ्रिज में रख देती है कि तभी वहाँ कोयल आ जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा फेस पैक मुझसे बिना पूछे फ्रिज से बाहर निकाला? ये फ्रिज क्या तुम अपने दहेज में लाई थी, जो तुमने इसमें से मेरा फेस पैक हटाकर अपना बनाया हुआ केक रख दिया? जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। और हाँ, ये फ्रिज में अपने दहेज में लाई थी, तुम्हें पता हो तो, इसलिए इसमें सिर्फ मेरी ही चीजें रहेंगी, ना कि तुम्हारी। दहेज में लाई थी तो क्या हुआ, वैसे तो मैं दहेज में सोफा लेकर आई थी, लेकिन बैठती तो तुम भी हो ना। वैसे ही तुम्हारे दहेज का फ्रिज हम सबके यूज के लिए है। ये अपना केक हटाओ, मुझे मेरा फेस पैक रखना है। मैं अपना केक नहीं हटाऊंगी, मैं भी देखती हूँ तू कैसे मेरे केक को हटाकर अपना फेस पैक रखती है। कोयल को माया की बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जबरदस्ती फ्रिज में से केक निकालकर अपना फेस पैक रखने की कोशिश करती है कि तभी माया उससे उसका फेस पैक छीनकर नीचे फेंक देती है।
ये देख गुस्से में कोयल माया का बनाया हुआ केक भी नीचे फेंक देती है। दोनों की लड़ने की आवाज सुनकर शालू किचन में आती है। अच्छे खासे घर को तुम दोनों ने चिड़िया घर बना रखा है, अब क्या बात हो गई? अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? माँ जी, इस कोयल की बच्ची ने मेरा इतना मेहनत से बनाया हुआ केक नीचे गिरा दिया, मैंने इनके लिए बनाया था। अरे वाह झूठी, माँ जी पहले इसने मेरा फेस पैक नीचे गिराया, उसके बाद मैंने इसका केक नीचे गिराया। मैंने फेस पैक बनाकर फ्रिज में रखा था और इसे देखा नहीं गया, तो इसने मेरा फेस पैक जानबूझकर बाहर निकाला और अपना केक अंदर रख दिया। बस करो, तुम दोनों की रोज इन लड़ाइयों में से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अगर अब मुझे किसी भी चीज की जरा सी भी आवाज आई ना तो तुम दोनों को देख लेना। शालू वहां से चली जाती और दोनों देवरानी जिटानी भी एक दूसरे को मुंह बनाते हुए कमरे में चली जाती हैं। कोयल और माया शुरू से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, वो हमेशा एक दूसरे को परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थी। माया हमेशा जिठानी होने का कोयल पर रौब जमाती थी, लेकिन कोयल भी कुछ कम नहीं थी, वो भी माया को मुंह तोड़ जवाब देती थी। लेकिन इन दोनों की इन हरकतों की वजह से इनकी सास शालू बहुत परेशान हो जाती है। माया और कोमल बहू, तुम दोनों आज पूरे घर की साफ सफाई कर देना, कई दिनों से पूरे घर की सफाई नहीं हुई है, इसलिए तुम दोनों आपस में काम बांट लो और उन्हें करना जल्दी से शुरू कर दो। ठीक है माँ जी। कोयल, तुम घर के सारे जाले और पंखे साफ कर देना, छत साफ कर देना, सारे कपड़े धो देना, मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर दूंगी, ठीक है? अच्छा जी, मैं क्या पागल दिख रही हूँ जो इतना सारा काम करूंगी और तुम सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन दिख करोगी? देख रही हूँ माँ जी कितनी चालाकी दिखा रही है, अगर तुम जेठानी हो ना तो मैं अभी देवरानी हूँ। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, एक काम करो माया, तुम जाले साफ कर दो और बर्तन धो देना, कोयल तुम झाड़ू पोछा कर दो और फिर दोनों मिलकर कपड़े धोना, समझ गई? अब जाओ जल्दी सारा काम करो। आई ना कल ठिकाने पर, बनी आई थी मुझे सारा घर के काम कराने वाली। मेरा बस चले ना तो मैं इसके बाल पकड़कर इसे पूरा हिला दूं, ना जाने क्या समझती है अपने आप को, नाम कोयल है और हरकतें सारी कौवे जैसी हैं। अरे जाओ जाओ काम करो, या कोई मुहूर्त निकलवाऊं जब तुम जाकर काम करोगी? जी माँ जी कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इन दोनों लड़कियों को अपने बेटों के लिए पसंद किया था, बेचारे मेरे बेटे, भगवान ही जाने मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जो मुझे इस जन्म में ऐसी बहुएं मिली, इससे अच्छा तो मेरे बेटे जिंदगी भर कुंवारे रहते। ऐसे ही इन दोनों देवरानी और जेठानी को लड़ते हुए काफी समय हो जाता है और बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है। चलो पोछा तो मैंने लगा दिया, अब जाकर मैं आराम करती हूँ, कोयल इतना बोल ही रही होती कि माया बाहर से बारिश में भीगती हुई घर के अंदर आती है, जिस वजह से घर में पानी पानी हो जाता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने अभी पोछा लगाया था और तुमने सारा घर गंदा कर दिया? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। रहने दो माया, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मैं दोबारा मेहनत करके पोछा लगाऊं। अब किस बात पर लड़ रही हो, और ये फर्श गीला क्यों हो रहा है? माँ जी ये सब माया की वजह से हुआ है, मैंने अभी पोछा लगाया था लेकिन ये जानबूझकर अपने गीले पैर अंदर लेकर आई और पूरा फर्श गीला कर दिया। माँ जी ये झूठ बोल रही है, मैं बारिश में भीगती हुई आई थी, मुझे क्या पता था कि ये पोछा लगा रही है? दोनों बहुओं की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को मारते मारते दोनों घर से बाहर चली जाती और दोनों लड़ते लड़ते कीचड़ में गिर जाती हैं, लेकिन एक दूसरे को मारना बंद नहीं करती। शालू से अब ये सब नहीं देखा जाता और वो चिल्ला कर कहती है, बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम दोनों को, अब मैं तुम दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, दोनों की दोनों अभी अपना सामान पैक कर अपने मायके चली जाओ, और खबरदार वापस यहाँ आई तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगी, सर में दर्द कर दिया है जब से इस घर के अंदर तुम दोनों ने कदम रखा है, उस दिन से ही घर की सुख शांति भंग हो गई है, मोहल्ले वालों ने मेरे घर का नाम चिड़िया घर रख दिया है, इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में कि तुम यहां से चुपचाप चली जाओ। अपनी सास का इतना ज्यादा गुस्सा देख दोनों बहुएं बहुत डर जाती और बिना कुछ कहे चुपचाप से अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। मायके गए उन दोनों को बहुत टाइम हो जाता है, जिसके बाद उन दोनों को ससुराल की याद आती है। क्या हुआ कोयल बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? माँ मुझे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही है, लेकिन माँ जी के डर से मैं वापस नहीं जा रही हूँ। बेटा देवरानी और जेठानी की लड़ाई तो हर घर में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ, रोज रोज की लड़ाई से हर कोई परेशान हो जाता है, इसलिए तुम्हारी सास ने तुम्हें मायके भेज दिया। अपनी माँ के समझाने पर कोयल समझ जाती है, कोयल की तरह माया को भी अपने ससुराल की याद आती है। बेटा तुम्हें अपने ससुराल जाकर अपनी सास से माफी मांगनी चाहिए और अपनी देवरानी से सुलह करनी चाहिए, वरना तुम कभी भी अपने ससुराल नहीं जा पाओगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने ससुराल आती और अपनी सास से माफी मांगती हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कोयल से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूंगी। हाँ माँ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, अब मैं भी माया भाभी से नहीं लड़ा करूंगी और अब इस घर में सुख शांति होगी और कोई हमारे घर को अब चिड़ियाघर नहीं बोलेगा। चलो देर आए दुरुस्त आए,
हे भगवान, तूने मेरी दोनों दोनों बहुओं को सुधार दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। शालू अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद अब माया और कोयल कभी भी लड़ाई नहीं करते और हमेशा मिलजुल कर साथ रहते हैं।